Good morning all students। तो आज के क्लास में हम देखेंगे एंटिसिपेशन। एग्जैक्ट एंटिसिपेशन जो प्रिंसिपल है वो कैसे यूज करना फॉर एनिमेशन पर्पस। ओके, जैसे कि हमने इसके पहले वाले सेशन में देखा है एंटिसिपेशन एग्जैक्ट क्या है, बिफोर एक्शन जो भी हम लोग फोर्स लेते हैं कोई भी एक्शन करने से पहले, वो होगा आपका एंटिसिपेशन पोज। उसके बाद वो पोज प्रॉपर यूज़ करेंगे तो आपका पूरा एक्शन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा। जैसे कि मेरे पास ये जो रेफरेंस वीडियो है, इस रेफरेंस वीडियो में आप देखेंगे एक कैरेक्टर सपोज जंप एक्शन कर रहा है, तो जंप एक्शन में जितना स्ट्रॉन्ग उसका एंटिसिपेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका एक्शन होगा। तो रेफरेंस वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप पॉज करके देखेंगे और पॉज करके देखने के बाद उसके मेन मेन जो पोजेस है वो पोजेस हम पहले रफ ड्रॉ करके लेंगे। जैसे कि आपको पता है आप जब फ्लिप बूम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो फ्लिप बूम सॉफ्टवेयर में दो लेयर्स रहते हैं, उसमें से नीचे वाला जो लेयर है उसमें हम रफ पहले अलग अलग एक्शन करके देखेंगे। वो अलग अलग एक्शन करके देखने के बाद फिर पूरा प्रॉपर एक्शन मिलने के बाद फिर हम उसे सिंगल लाइन में ट्राई करेंगे। जैसे इस रेफरेंस में जो भी एक्शन है वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अभी रफ ड्रॉ कर रहे हैं। जब आप रफ मेन पोजेस ड्रॉ करते हैं तब उसका आर्क, लाइन ऑफ एक्शन, स्ट्रॉन्ग पोज वो ड्रॉ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जो भी रेफरेंस वीडियो है वो वीडियो आप पॉज करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, उसमें से एग्जैक्ट मेन मेन जो पोजेस है वही आप ड्रॉ करना है। कॉन्टैक्ट पोज, उसके बाद पासिंग पोज, स्ट्रेच पोज, स्क्वैश पोज या एंटिसिपेशन पोज, जो जो मेन पोजेस है वो हम यहाँ पे अभी ड्रॉ करके देख रहे हैं। तो इस टाइप के रफ ड्राइंग जो है वो आप आपके फ्लिप बुक में भी पहले रफ ड्रॉ करके ले लिया मेन मेन पोजेस रेफरेंस देख के, उसके बाद फिर उसको सिंगल लाइन में फाइन ट्यून किया तो आपका अच्छा सा फ्लिप बुक बन सकता है। अपने ड्राइंग जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही स्ट्रांग आपका एक्शन दिखाई देगा। रफ ड्राइंग करने के लिए आपको ऑलरेडी बताया है कि पहले लाइन ऑफ एक्शन, उसके बाद मेन कैरेक्टर का बेसिक शेप लेके प्रोपोर्शन कैसे करना वो हम यहाँ पे अभी ट्राई करके देख रहे हैं वन बाय वन मेन मेन पोजेस। तो इस टाइप में ये जो भी मेरा जंप एक्शन है विथ प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन पोज, एंटिसिपेशन जो प्रिंसिपल वो देखने से पहले हम लोगों ने स्ट्रेच एंड स्पैश ये भी प्रिंसिपल देखा था। तो सेम जब भी कभी हम फिगर एनिमेशन करते हैं तब उसमें स्ट्रेच एंड स्क्वैश, उसका ओवरऑल जो वॉल्यूम है बॉडी का नीचे झुकना, फिर प्रॉपर जंप के टाइम पे स्ट्रेच होना, जैसे ग्राउंड लेवल को टच होगा तो वो फिर से उसका ओवरऑल बॉडी नीचे झुकेगा, मतलब वो स्क्वैश हो जाएगा। तो ये दोनों प्रिंसिपल एक दूसरे से सिमिलर है। वो दोनों प्रिंसिपल अगर आपको प्रॉपर पता हो गए तो आप प्रॉपर यूज़ करके आपका स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखा सकते हैं। जैसे कि ये कैरेक्टर अभी जैसे ग्राउंड को टच हो रहा है थोड़ा स्क्वैश हो रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा लाइटली स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने के बाद फिर नॉर्मल पोजीशन में वो आ जाएगा। आपको याद होगा हम लोगों ने इसके पहले सेशन में देखा था स्ट्रेच एंड स्क्वैश, जब हम देख रहे थे बाउंसिंग बॉल एक्शन, बाउंस होने के बाद बॉल अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पे थ्रो कर दिया तो कहाँ पे स्ट्रेच होता है, कहाँ पे स्क्वैश होता है, जिसे ग्राउंड लेवल को टच होगा उसका शेप कैसे होगा, सेम फंडा यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस एक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एंटिसिपेशन जो प्रिंसिपल वो भी यूज़ कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे स्ट्रेच एंड स्क्वैश जो है वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल जब आपका एक्शन होगा तो पता चलेगा ये दोनों प्रिंसिपल यूज़ करने के बाद आपका एक्शन काफ़ी ज़्यादा हद तक रियलिस्टिक लगेगा और स्मूथ भी दिखाई देगा।
जब भी कभी आप एडवांस 2D एनिमेशन करते हो, जितने ज़्यादा पोजेस होंगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्मूथ आपका एनिमेशन दिखाई देगा। एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने मेन मेन पोजेस, यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कुछ बेस जो है, तो ये मेरा एक्शन। तो ओवरऑल मुझे रफ ड्राइंग में भी मेरा परफेक्ट एक्शन मुझे मिल गया है। फिर मैं उसे फाइन ट्यून करके सिंगल लाइन में ट्राई करूँगा। और एक बात, जब आपका रफ मेन मेन पोजेस हो गए, मेन मेन होने के बाद फिर ऑनियन लेयर आपको पता है, ऑनियन लेयर ऑन करके फिर पोजेस जो है उसका जो भी प्लेस है वो प्लेस में थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन करके आगे पीछे कर सकता हूँ, या कोई अगर फिगर बड़ी है या छोटी है तो उसको मैं थोड़ा स्ट्रेच एंड स्क्वैच भी कर सकता हूँ। ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड है, जब आप उसको फाइन ट्यून करेंगे कहाँ पे कौन सा पोज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है आपको ग्रीन कलर जो है वो आगे वाली फ्रेम है, ऑरेंज कलर जो है वो पीछे वाली फ्रेम है, और जिसको हम एनिमेट कर रहे हैं वो सेंटर वाली फ्रेम है। तो वो ऑनियन लेयर से रेफरेंस आगे और पीछे की फ्रेम देख के हम एग्जैक्ट अपनी जो मेन फ्रेम है उसको एक जगह पे प्लेस कर सकते हैं। ओके, फाइनल मेरा एक्शन कंप्लीट हुआ। अभी उसके बाद वो रिलैक्स पोजीशन में आगे मूव हो रहा है। तो इस टाइम में ऑलमोस्ट मोर देन 24 टू 25 फ्रेम में मेरा स्मूथ एक जंप एक्शन कंप्लीट हो गया है, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। सी रेफरेंस और आपका एक्शन, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर मेन मेन पोजेस। तो ये फंडा अगर आपको प्रॉपर समझ में आया तो आप अच्छी तरह से 2D एनिमेटर बन सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा ड्राइंग स्किल यूज़ किया और मेरे जो भी प्रिंसिपल का नॉलेज है वो, जैसे कि स्ट्रेच एंड स्क्वैश और एंटिसिपेशन, ये और फिर एक्शन, फाइनल सिंगल एक एक पोजेस देखते हैं, मेन मेन पोजेस। ये स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन, 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 एक्शन स्टार्ट, स्ट्रेच, एक्शन स्टार्ट, ग्राउंड क्वार्टर स्क्वैश, अगेन नॉर्मल पोजिशन पे कैरेक्टर।